टैक्स से जुड़ी परेशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरण तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। खाद्यान्न की बंपर पैदावार से खाद्य वस्तुओं की महंगाई को थामने में मदद मिलेगी। चावल और गेहूं के अलावा दालों के पर्याप्त उत्पादन का अनुमान है। आमतौर पर दाल और खाद्य तेलों की आपूर्ति को लेकर हर साल महंगाई उपभोक्ताओं को तंग करती आ रही है। हालांकि इस बार दलहनी फसलों की पैदावार में रिकॉर्ड वृद्धि होने से देश में दालों की कमी की संभावना नहीं है। इसके बावजूद एहतियातन उपलब्धता बनाए रखने और थोड़ी बहुत जरूरत के लिए सरकार ने आयात का रास्ता खोल रखा है। हालांकि खाद्य तेलों की महंगाई निश्चित रूप से परेशान कर सकती है। आयातित खाद्य तेलों को सस्ता करने का एकमात्र उपाय सीमा शुल्क में कटौती करना ही होगा। खाद्य वस्तुओं में तेल को छोड़कर बाकी चीजों की सप्लाई लाइन में कोई अवरोध नहीं है। गेहूं की पैदावार भी संतोषजनक है। घरेलू खपत के मुकाबले चालू फसल का उत्पादन और पुराना स्टॉक बहुत ज्यादा है, इसलिए सरकार ने चालू वर्ष में 1 करोड़ टन गेहूं निर्यात का लक्ष्य निर्धारित कर रखा है। हालांकि वैश्विक जींस बाजार की चाल और निजी निर्यातकों की सक्रियता को देखते हुए सरकार के कान खड़े हो गए हैं, इसलिए सरकार ने पिछले सप्ताह गेहूं निर्यात को नियंत्रित करने के उद्देश्य से इसे प्रतिबंधित सूची में डाल दिया है। इससे अब प्राइवेट सेक्टर अपनी मनमानी करते हुए अंधाधुंध गेहूं का निर्यात नहीं कर सकते हैं। सरकार ने गेहूं निर्यात के लिए कुछ शर्तें लगा दी हैं। सरकार का उद्देश्य घरेलू बाजार में महंगाई को रोकना है। वहीं कृषि मंत्रालय ने पिछले सप्ताह ही खाद्यान्न उत्पादन का तीसरा अग्रिम अनुमान जारी कर दिया है। इसके मुताबिक चालू फसल वर्ष में रिकॉर्ड 32.45 करोड़ टन उत्पादन होगा। इसमें प्रमुख फसल गेहूँ 10.64 करोड़ टन और चावल 12.96 करोड़ टन चावल की हिस्सेदारी है। चावल निर्यात में भारत पहले से ही बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध छिड़ने के बाद से गेहूं की वैश्विक मांग बढ़ी है। इसका फायदा भारतीय निर्यातक उठाने में जुट गए हैं। घरेलू खपत को ध्यान में रखकर सरकार ने उसे प्रतिबंधित कैटेगरी में डाल दिया है। मोटे अनाज वाली फसलों का प्रदर्शन भी बेहतर रहा है, जो खाद्य सुरक्षा के लिए एक अच्छा संकेत है। वहीं दलहनी खेती को प्रोत्साहन से रिकॉर्ड 2.77 करोड़ टन की पैदावार है, जो दालों की घरेलू खपत को पूरी कर सकती है। दालों की वजह से महंगाई बढ़ने की संभावना नगण्य है। घरेलू खपत को पूरा करने के लिए भारत को खाद्य तेलों का 60% से अधिक आयात करना पड़ता है। वैश्विक सप्लाई बाधित होने से फिलहाल इसमें आग लगी हुई है। इस महंगाई की आग बुझाने के लिए सरकार के पास एकमात्र रास्ता सीमा शुल्क में कटौती का ही है। वहीं आलू, प्याज और टमाटर की महंगाई से कई बार उपभोक्ता तंग रहे हैं, लेकिन इस बार देश में दोनों कच्ची जींसों की पर्याप्त उपलब्धता है। रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।